वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग स्टूडियो बाय देवांश गुप्ता। सुप्रभात मित्रों, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है शेर और चूहा। एक समय की बात है, एक जंगल था। वहाँ पर खूब सारे जानवर थे। वहाँ पर एक शेर भी था, वो वहाँ का राजा था। एक दिन वो खा के अपनी गुफा में सो गया। चूहे वहां से गुजर रहा था और देखा, मैं तो इसके साथ खेल सकता हूँ। फिर वो सोते हुए शेर के ऊपर कूदने लगा, उसके पेट में उसकी पूंछ से फिसलने लगा। अचानक से शेर की नींद खुल गई। उसने बहुत जोर से दहाड़ा। चूहा भागने की कोशिश किया, शेर ने उसको पकड़ लिया। फिर वो उसको खाने लगा। फिर उस चूहे ने कहा, राजा जी मुझको मत खाइए, मैं आपके एक दिन काम आ सकता हूँ। फिर वो राजा हंसने लगा और कहा, इतना नन्हा सा चूहा मेरे कैसे काम आ सकता है। उसने उसको छोड़ दिया और कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अभी अभी मैंने खाना खाया है। वो जल्दी से वहां से चला गया। एक दिन शेर अपनी गुफा में सो रहा था। अचानक शिकारी आ गए। उन्होंने शेर के ऊपर जाल बिछा दिया। फिर वो चले गए वाहन लेने। फिर अचानक से शेर की नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो जाल में फंसा हूँ। वो और जोर से दहाड़ने लगा। फिर चूहे ने उसकी आवाज सुनी। उसने कहा, राजा मुसीबत में है, मुझको उनकी मदद करनी होगी। फिर वो वहां गया और कहा, राजा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मुक्त करवाऊंगा। फिर वो उस जाल को काट दिया और राजा जी ने कहा, तुमने राजा को बचाया, तुम यहाँ के राजकुमार हो। राजकुमार, धन्यवाद राजा जी, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही मिलूंगा। फिर राजा ने कहा, कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ खेलना नहीं है क्या। फिर वो दोनों खेलने लगे। जब शिकारी आए, वो दोनों उनके पीछे भागने लगे और शेर ने बहुत जोर से दहाड़ मारी। शिकारी डर के वापस चले गए। हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमको किसी को नन्हा नहीं समझना चाहिए, वो भी हमारे काम आ सकता है। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल ई लर्निंग स्टूडियो बाय देवांश गुप्ता। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।